जस्ट बिकॉज अलीजा ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, तो इसका क्या मतलब है मैं किसी भी अरे गहरे लड़की से शादी कर लूंगा? नहीं डैड, नहीं। आप सोच भी रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आप जानते क्या है उस लड़की के बारे में? कौन है वो, किस खानदान से आई है, वो सच बोल रही है या झूठ, कुछ भी नहीं। और आप अपने इकलौते बेटे को कह रहे हैं कि वो उस लड़की से शादी कर ले? आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं ना डैड, तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए या उसे कोई रहने के लिए मुनासिब जगह दे दीजिए, लेकिन शादी के बारे में भूल जाइए प्लीज। देखो अफनान, तुम ठीक कह रहे हो कि मैं उसे नहीं जानता, लेकिन देखो बेटा, वो जितने दिन भी यहाँ रही है, मैंने उसमें कोई बुराई, कोई ऐब नहीं। अरे आपने अगर उसमें कोई ऐब बुराई नहीं देखी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप बुराई से पाक है। आप जानते नहीं है उसे। तुम क्या उसे पहले से जानते हो? बोलो। नहीं डॉक्टर, मैं उसे नहीं जानता और जानना चाहता भी नहीं, वो मेरे लायक नहीं। मैं बस आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप इस बात का ख्याल अपने दिल से निकाल दें तो बेहतर है। मैं उससे किसी सूरत शादी नहीं करूंगा। मैं अलीजे से बात करता हूं, उसको समझाऊंगा, उसे मनाऊंगा, और अगर वो ना भी मानी तब भी मैं रमशा से शादी नहीं करूंगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सॉरी डैड, मैं जानता हूं आपको बुरा लग रहा होगा, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, इस बार मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। अल्लाह हाफिज। आपकी दोस्त की उस हरकत की वजह से मेरी कितनी बदनामी। मेरा बाप ये बात नहीं झेल सका, नहीं बर्दाश्त कर सका। वो सदमा मेरे बाप को खा गया। मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो सब आपके सामने हफ्ता। आपसे मोहब्बत में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। और आपने क्या खोया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपना क्या हो गया तुम्हें? किस टोन में बात कर रहे हो मुझसे? मैं तुमसे जिस लहजे में भी बात कर रहा हूं, तुम मेरे एक सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जब मैंने मना किया था तो सलमान की बर्थडे पे क्यों गई थी? क्या तुमने एक ही रट लगा के रखी हुई है? मना किया था चली गई तो क्या हो गया? क्या करूं अब मैं? और मुझे अभी बता, शादी की बात भी तुमने यही करना है? हाँ यही करना है मुझे, यही करूंगा मैं। और तुम्हें माननी होगी मेरी बात, तुम जो कर सकती हो कर लो। हाँ तो ठीक है, तुम्हें बीवी नहीं बल्कि गुलाम चाहिए, और मैं गुलाम नहीं बन सकती। अंगूठी रखो अपने पास। देखो मैं
बच्ची रमशा के बारे में बहुत परेशान हूँ, सोच रहा था उसके बारे में। और देखो उसकी जिंदगी में मेरा मतलब उसके बेसहारा होने की वजह मैं हूँ। मैंने उस बच्ची को देखा है, वो इतने दिन यहाँ रही है, बहुत हसास है, बहुत सेंसिटिव है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, कुछ ऐसा जिससे मेरे दिल को इत्मीनान मिल सके, मैं मुतमईन हो सकूं। सो तुम रमशा से शादी कर लो। सर अहमद साहब आ गए। आप कहीं जा रहे हैं? मैं अहमद साहब को क्या बोलूं मीटिंग के लिए? उनसे कहिए कि मीटिंग रीस्केड्यूल होगी, कब होगी ये मैं खुद बता दूंगा। ओके। यहाँ क्यों आए हो अफनान? तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। चलो गाड़ी में बैठो, बात करते। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ मैं काम करने आती हूँ, तुम घर जाओ। ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मानो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं भी यहीं खड़ा रहूंगा और तुम्हें अंदर जाने भी नहीं दूंगा, कर लो अपना काम। अफनान प्लीज यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो। सीन मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, अलीज़े सीन आप क्रिएट कर रही हैं, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, आप चाह रही हैं मैं सीन क्रिएट करूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम, बैठो गाड़ी में।